2022 विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सभी पार्टियों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी अपने अपने तरीके से वोटर्स को लुभाने में जुट गई है। आलम यह है कि पार्टी किसी भी तरह अपने वोटर्स को अपनी ओर खींचना चाहती है, चाहे वो कोई भी रास्ता हो। इसी सिलसिले में समाजसेवी शुभम पाल ने वोटर्स को लुभाने के लिए ग्रामीण इलाकों में पहुंचे, जहां उन्होंने बेटियों को 500 रुपए का प्रलोभन दिया। वहीं इस दौरान कोविड नियमों की जमकर धज्जियां भी उड़ाई गई और यहां लोग बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते नजर आए। अधिकारियों से पूछने पर मालूम हुआ कि ये शुभम पाल ने बिना परमिशन के ही रैली निकाली। कानपुर देहात के सिकंदरा इलाके के गेस्ट हाउस में सभा करने के बाद शुभम पाल ने समर्थकों के साथ पटेल चौक पर दर्जनों वाहनों के साथ जुलूस निकाला। जुलूस के दौरान शुभम पाल के समर्थकों ने घंटों नारेबाजी की। इस दौरान सिकंदरा कस्बे के प्रमुख चौराहे पर जाम लग गया। वहीं इस जाम में मरीज लेकर जा रही एक एम्बुलेंस भी फंसी दिखाई दी। एम्बुलेंस के फंसे होने को लेकर प्रशासन भी अनजान बना रहा। एम्बुलेंस फंसे होने के बाद भी उनके समर्थक नारेबाजी करते रहे। आपको बता दें कि शुभम पाल विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी कर रहे हैं। खुली कार में सवार शुभम पाल ने पटेल चौक पर राहगीरों का हाथ जोड़कर अभिवादन किया। इस बारे में अधिकारियों ने बताया कि जुलूस की अनुमति नहीं ली गई, बगैर अनुमति के जुलूस निकालने पर कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, माई भारत। 2022 का विधानसभा चुनाव आने से पहले ही प्रत्याशियों ने वोटरों को लुभाने का काम शुरू कर दिया और ताजा मामला कानपुर देहात के सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र से है, जहां विधानसभा की दावेदारी की शुभम पाल ने एक राखी बंधन का प्रोग्राम किया। इस प्रोग्राम की ना जिला प्रशासन ने अनुमति दी थी, बावजूद उसके वहाँ एक प्रोग्राम किया गया, वहाँ बहनों को बुलाया गया, जिसमें ये कहा गया कि 500 रुपये प्रति युक्ति को दिया जाएगा जो वहाँ राखी बांधने पर आएंगे। हालांकि उससे कम रकम दी थी, जिससे महिलाएं भी नाराज वहाँ पे दिखाई दी। जो लोग उस कार्यक्रम में शरीक थे वो भी शुभम पाल से कहीं ना कहीं नाराज दिखाई दी। हालांकि पूरे प्रोग्राम के बाद एक शक्ति प्रदर्शन के जुलूस निकाला गया, जिस जुलूस में एम्बुलेंस भी फंसी रही, लेकिन बावजूद उसके बीजेपी के समर्थक जो है उनको किसी प्रकार का खौफ नहीं था। जिला प्रशासन का पूरा जुलूस निकाला गया, जुलूस सिकंदरा क्षेत्र पर पूरा घूमा। जब इस मामले में अधिकारियों से बात करी गई तो वो अपनी जिम्मेदारी से बचते हुए नजर आए। कैमरामैन तुषार के साथ नितिन शुक्ला, माई भारत, कानपुर तैयार।